हाय फ्रेंड्स, चलो आज मैं आपको सुरण कैसे लगाते हैं दिखाता हूँ। आप वीडियो में बने रहे, सब कुछ दिखाता हूँ कैसे उसे लगाया जाता है। देखिए, ये अभी सब लोग है वो ये बेड है, बेड के ऊपर ये जो घिसी लगा रहे हैं, डोरी के ऊपर चल रहे हैं, वो इसकी जो खड्डा खोदना है उसकी निशानी कर रहे हैं। वहाँ पे वो सुरण का खड्डा खोदेंगे। देखिए, ये प्लास्टिक की डोरी है, इसके ऊपर ये बेड के ऊपर चल रहे हैं, इसीलिए ये निशानी हो जाएगी। देखिए, ऐसे चलते हैं, वहाँ पे खड्डा खोदना जो व्यक्ति है उसे पता चले कि यहाँ खोदना है। देखिए, ये 3x3 फीट का है। देखो, ये अभी खड्डा खोद रहे हैं सुरण को लगाने के लिए। ऐसे ये बेड ऊपर खड्डा खोदते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा वो लाइन जो सबने अभी बनाई है चल के। देखिए, ये झिकझैक सिस्टम लगाया है। बेड के ऊपर लगाया जाएगा। देखिए, ये पूरे खेत में खड्डा खोद डाला है। देखिए, ये अभी सुरण को लाके खड्डे में रख रहे हैं। देखिए, देखिए ट्रॉली में भर रहे हैं अभी। ये सुरण का बियारण है, ऊपर देखिए इसकी आंख निकल गई है। ये सब लोग यहाँ से लेके खेत में जाएंगे, फिर वहाँ पे खड्डे में एक एक गांठ रख देंगे। ओ भाई छोकराओ, तमे उभा थई जाओ। देखो, वो सब सुरण की गांठ है, वो रख दी है। वो आगे वाला भाई है, वो अभी खाद डाल रहा है, क्योंकि वो जो सुरण का बियारण है लगाने से पहले नीचे वो खाद रखेंगे। देखिए, ऐसा होता है। ये सब गांठ है वो 700 से 1 किलोग्राम तक की है। कहीं 500 ग्राम है, कहीं 700 ग्राम है, कहीं किलो की है। देखिए, ये खाद डाल रहा है, वो लगाने वाला जो भी है वो वहां से लेके अंदर नीचे डाल देगा खाद खड्डे में। वो सब पीछे अभी सुरण को रोप रहे हैं। हमारी गुजराती भाषा में वही बोलते हैं, रोपते हैं। आज 10 अप्रैल है, अप्रैल महीने में ही लगाए हैं हमें।
देखिए ऐसे उसको गांठ को लगाया जाता है, इसे रख के ऊपर मिट्टी डालनी है। बस ऐसे ही कर देना है। तो 30-40 दिन में निकल जाएगी, एक महीना तो लगता ही है से निकलने में। इसे खड्डे में रख के लगाया जाता है। ये बेड है, ये भी 3 फुट का है। ओ ना ना ओळो सु लेवा लो पण इथे बहुत दूर से ले लो पति जा हडो ओरो लिया ओ वहीं थी ले लो। देखिए ये अभी 10 अप्रैल को लगाया था और आज 1 जून है, इतनी खुशी हो गई है। 50 दिन के बाद इतनी बड़ी हो गई है देखिए। और वो अंदर है, वो मठिया बोलता है ना, वो खाते हैं हम दाल, वो मठिया अंदर डाला हुआ है क्योंकि अप्रैल महीने में तो बहुत धूप पड़ती है, इसीलिए उसको सूरन को बचाने के लिए ये डालना पड़ता है क्योंकि ज़मीन गर्म बहुत हो जाती है धूप के हिसाब से, इसलिए छाए के लिए ये मठिया डाला है अंदर। देखिए नीचे मठिया है, वो सूरन निकल गई है। देखिए कितनी बड़ी सी हो गई है ये। देखो ये मठिया है छाए के लिए क्योंकि ज़मीन ठंडी रहे, सूरन को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए डाला है। देखो इतनी सी बड़ी हो गई है 50 दिन के बाद। देखिए ये कहीं छोड़ अभी निकल रहे हैं। देखिए ऐसे सूरन होती है। ये मठिया है, इस साइड खेत में थोड़ी छोटी सी लगाई थी इसीलिए अभी कहीं पे निकल रही है। ढाई सौ ग्राम 300 ग्राम वाली लगाई थी इसलिए अभी देखो ये छोटी छोटी है, ये कहीं पे अभी निकल रही है। जो बड़ी होती है 700-800 ग्राम की वो जल्दी निकल जाती है। देखो ये अभी निकल रही है। देखिए फ्रेंड्स फाइनली आज 31 जुलाई है, 110 दिन के बाद ये सूरन हो गई है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। 3.5 महीने के बाद देखिए ये बड़ी बड़ी हो गई है। ऐसे होती है सूरन।
देखिए कितनी सुंदर दिखती है, बहुत अच्छी हो रही है इस बार। देखिए ये दूसरा भी निकल गया है, अब नीचे सूरन बनना चालू हो गई है इसलिए ये दूसरा छोर निकल रहा है। देखिए जब दूसरा प्लांट निकले तो समझो कि सूरन नीचे बनना चालू हो गई है। देखिए अभी दो दो हो गए हैं। चार महीने के बाद हो जाती है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।